नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे, फोर ऑब्जेक्ट्स रिंग डिस्क हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर ईच ऑफ मास एम एंड रेडियस आर आर रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। If there is no slipping of any objects, then which object will reach the bottom first। तो जैसा कि हम लोग फिगर में देख सकते हैं, एक राउंड ऑब्जेक्ट लिया गया है, तो इस राउंड ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन हमने लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, है ना। ये एक्सेलरेशन इधर की तरफ आता है और इसका वैल्यू आया जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय 1 + k² बाय आर स्क्वायर, वेयर के इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि सबसे पहले रेडियस ऑफ जायरेशन कैलकुलेट करते हैं फॉर रिंग I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दैट मीन्स के इज इक्वल टू आर। फॉर डिस्क I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दैट मीन्स K इज इक्वल टू आर बाय रूट टू। फॉर हॉलो स्फीयर I इज इक्वल टू 2/3 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दैट मीन्स के इज इक्वल टू रूट 2/3 आर। फॉर सॉलिड स्फीयर आई इज इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, दैट मीन्स के इज इक्वल टू रूट 2/5 आर, है ना। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि फॉर सॉलिड स्फीयर के इज मिनिमम, सॉलिड स्फीयर के लिए रेडियस ऑफ जायरेशन जो है ये मिनिमम आया है, और इसलिए क्या होगा कि जो इस फॉर्मूले में जो एक्सेलरेशन है सबके लिए जी इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा, रेडियस इक्वल दिया हुआ है, तो जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन छोटा होगा उसके लिए एक्सेलरेशन सबसे बड़ा होगा, और एक्सेलरेशन सबसे बड़ा होगा
तो कम से कम टाइम लेगा, है ना। जो भी डिस्टेंस ट्रेवल करना हो, एल इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, टी इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग 2L बाई ए। तो जिसका रेडियस ऑफ जायरेशन छोटा होगा उसके लिए एक्सेलरेशन सबसे बड़ा होगा, और एक्सेलरेशन सबसे बड़ा होगा तो इस फॉर्मूले से टाइम जो है वो मिनिमम हो जाएगा। तो ये कह सकते हैं सॉलिड स्फीयर रीचेज फर्स्ट, और सबसे बड़ा रेडियस ऑफ जायरेशन जो आया है वो आया है रिंग का, है ना। तो उसके लिए रेडियस ऑफ जायरेशन अगर देखें इस फॉर्मूले में, के सबसे बड़ा है तो एक्सेलरेशन सबसे छोटा होगा, और एक्सेलरेशन सबसे छोटा होगा तो इस फॉर्मूले से टाइम जो है सबसे बड़ा आएगा। तो रिंग विल टेक द मैक्सिमम टाइम, इन सब में से ज्यादा टाइम कौन लेगा, रिंग लेगा। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल, ए राउंड ऑब्जेक्ट इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, बट फ्रिक्शन इज नॉट सफिशियंट फॉर परफेक्ट रोलिंग। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑल्सो फाइंड द वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेज द बॉटम। तो इसमें ऐसा करेंगे कि सबसे पहले हम लोग इस ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो इस पर इधर की तरफ फोर्स आएगा एम जी साइन थीटा, इधर की तरफ आएगा एक नॉर्मल, और एम जी का एक कंपोनेंट आएगा इधर एम जी कॉस थीटा। ठीक, अच्छा, पीछे की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में एक फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो एक्चुअली में म्यू एन लग रहा होगा, क्योंकि ये जो है स्लाइड कर रहा होगा राउंड ऑब्जेक्ट, और जब स्लाइड कर रहा होगा तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगा होगा, है ना। तो अब जो है
हम लोग इधर मान लेते हैं एक्सेलरेशन है ये सेंटर ऑफ मास का, और ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो इसका रोटेशनल और ट्रांसलेशनल दोनों मोशन होगा, तो दोनों इक्वेशन लिखेंगे। इसका ट्रांसलेशनल इक्वेशन लिखा जाएगा mg साइन थीटा माइनस म्यू n इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो mg साइन थीटा माइनस म्यू, अगर इस पर देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, यानी कि n इज इक्वल टू mg cos थीटा आना चाहिए। तो इस n का वैल्यू यहां पर इसमें रखेंगे फ्रिक्शन में, तो mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। तो यहां से एक्सेलरेशन आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन आ गया। इसके बाद रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो अगर इसका जो सेंटर ऑफ मास है ऑब्जेक्ट का इसके अबाउट देखें तो नॉर्मल का टॉर्क जीरो होगा, mg cos थीटा और mg sin थीटा का टॉर्क भी जीरो होगा, सिर्फ फ्रिक्शन का टॉर्क जीरो नहीं होगा। तो फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा वो हम लोग लिखेंगे म्यू एन इंटू आर इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है ना। तो म्यू एन का वैल्यू आ जाएगा mg cos थीटा इंटू आर, और आई को लिखेंगे एम के स्क्वायर इंटू अल्फा। तो ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं। ऐसा सिंप्लीफाई करने से यहां से एम कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा का जो वैल्यू आएगा वो होगा म्यूजी कॉस थीटा इंटू आर बाई के स्क्वायर, है ना। तो ये आ गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो इसका एक्सेलरेशन भी निकल गया और एंगुलर एक्सेलरेशन भी निकल गया। अगर इसकी वेलोसिटी निकालनी होगी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट व्हेन इट रीचेस द बॉटम, है ना। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे इस तरह से, अगर ये नीचे जाने में सपोज ये टोटल एल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो यहां से यहां, है ना, यहां से ये एल डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, तो L इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां से जो T का वैल्यू आएगा वो होगा 2L बाई A का रूट, मतलब 2L बाई जो एक्सेलरेशन यहां पर आया है ये वाला वैल्यू उसको रखेंगे G साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा यहां से इतने टाइम बाद जो है वो नीचे पहुंचेगा। अब इस टाइम पर पहुंचेगा तो इस टाइम पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमें निकालना है, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यू तो जीरो है, एक्सेलरेशन है g साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इंटू टी। तो ये हो गया इसकी वेलोसिटी, है ना।
टी का वैल्यू हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहां से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं कैलकुलेट करके। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा अंडर रूट 2l बाय जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये हो गया 2gl साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ठीक, अब हम ओमेगा का वैल्यू निकालेंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग तब निकालेंगे जब जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे पहुंचेगा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। तो इनिशियली ओमेगा नॉट जीरो है, तो अल्फा का वैल्यू रखेंगे, ये जो इक्वेशन हमने यहां पर अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट किया है, म्यू जी आर कॉस थीटा बाई के स्क्वायर, है ना। ये तो हो गया अल्फा इंटू टी। तो म्यू जी आर कॉस थीटा बाई के स्क्वायर अंडर रूट 2l y g sin theta माइनस म्यू cos theta। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या सीखना है, इस क्वेश्चन हमें यह सीखना है कि चूंकि परफेक्ट रोलिंग नहीं हो रहा है ना, ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम हो गया है इम्परफेक्ट रोलिंग का, इम्परफेक्ट रोलिंग। तो इम्परफेक्ट रोलिंग का मतलब हुआ कि सफिशियंट फ्रिक्शन नहीं है, सफिशियंट फ्रिक्शन नहीं है तो जो ऑब्जेक्ट है वो स्लाइड करके चलेगा, स्लाइड करके चलेगा जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा हो, काइनेटिक फ्रिक्शन में जैसे ब्लॉक स्लिप करता हुआ चलता है वैसे चलेगा। तो आप देखेंगे कि जो यहां एक्सेलरेशन आया है ये भी काइनेटिक फ्रिक्शन वाला जो एक्सेलरेशन होता है वैसे ही आया है, चाहे राउंड ऑब्जेक्ट कोई भी हो, डिस्क हो, सॉलिड स्फीयर हो, हॉलो स्फीयर हो, सबके लिए एक्सेलरेशन यही आएगा। इसमें कहीं भी उनका रेडियस नहीं आया, कोई मास नहीं आया, कोई रेडियस ऑफ जायरेशन का यूज नहीं है, है ना। तो हर राउंड ऑब्जेक्ट का ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन ए इतना ही आएगा। ठीक, अच्छा, लेकिन अब ये ट्रांसलेशन रोटेशन दोनों करेगा, तो रोटेशनल इक्वेशन और मोशन निकाल करके हम लोग ये अल्फा का जो वैल्यू है ये अल्फा का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहां पर ये ध्यान दे सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू अल्फा आर, ये परफेक्ट रोलिंग नहीं है और इसलिए ए इज इक्वल टू अल्फा आर नहीं आएगा। दोनों को हमें रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, है ना। आप देखेंगे ये ए का इक्वेशन है और ये अल्फा का इक्वेशन है, अल्फा इंटू आर ए के इक्वल नहीं आएगा, रिलेट करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये इम्परफेक्ट रोलिंग है तो ए इज इक्वल टू अल्फा आर नहीं होगा। उसी तरह से यहां पर वी जो है वो भी ओमेगा आर के इक्वल नहीं आएगा, तो दोनों मोशन अलग अलग करेंगे, है ना। जब इम्परफेक्ट रोलिंग होगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन अलग तरीके से कैलकुलेट करेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई करके, और अल्फा भी निकालेंगे मैक्सिमम फ्रिक्शन अप्लाई करके। ठीक, तो वी ए एक्सेलरेशन आ गया, अल्फा आ गया, तो फिर दोनों तरीके के अलग अलग मोशन से हम लोग वेलोसिटी वी और ओमेगा अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, इसमें यह ध्यान रखना है कि ए इज इक्वल टू अल्फा आर नहीं होगा, वी इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं होगा, है ना। अच्छा, इस केस में अगर चार डिफरेंट ऑब्जेक्ट जैसे सॉलिड स्फीयर जो है, रिंग है, हॉलो स्फीयर है, डिस्क है, चारों को अगर ऊपर से छोड़ा जाता है तो सारे एक ही टाइम पर नीचे पहुंचेंगे। क्यों,
क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सबके लिए इक्वल आया है, ठीक है। लेकिन एक्सेलरेशन ए तो इक्वल आया है, इसलिए वेलोसिटी भी सबकी नीचे इक्वल आएगी, है ना। ये वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है सबके लिए इक्वल आएगा, लेकिन ओमेगा इक्वल नहीं आएगा सबका, क्योंकि ओमेगा जो है वो रेडियस ऑफ जायरेशन के पर डिपेंड करता है। रेडियस ऑफ जायरेशन जो है के, इस पर डिपेंडेंट है। तो ओमेगा हर ऑब्जेक्ट का डिफरेंट आएगा, लेकिन लीनियर एक्सेलरेशन भी सबका इक्वल आएगा। वी इज इक्वल फॉर ऑल काइंड ऑफ राउंड ऑब्जेक्ट बट ओमेगा इज डिफरेंट एज इट डिपेंड्स ऑन रेडियस ऑफ जायरेशन के, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमें एक ऐसा सिस्टम दिया गया है जिसमें एक ब्लॉक है ना, ब्लॉक का मास मान लेते कैपिटल एम है। अच्छा, एक डबल पुली दिया गया है। डबल पुली का मतलब है एक बड़े वाले पुली से जिसका कि रेडियस है आर, उसी से जुड़ा हुआ है, रिजिडली अटैच्ड है एक छोटा पुली जिसका रेडियस है आर बाई टू, है ना। इसका जो रेडियस है, ये रेडियस आर ले लेते हैं और आउटर रेडियस को हम लोग टू आर ले लेते हैं, ठीक है। अब ये जो डबल पुली है ये रिजिडली अटैच्ड है, मतलब दोनों एक साथ में एक एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करता है। तो ऊपर जो है एक एफ फोर्स लगाया जा रहा है टेंजेंशियली, और नीचे जो है, ये जो छोटा वाला पुली है, छोटे वाले पुली पर खूब सारा स्ट्रिंग जो है वो रैप किया हुआ है, है ना। और वो स्ट्रिंग जो है निकल करके इस ब्लॉक से अटैच्ड है, ठीक। तो जब हम लोग ये फोर्स अप्लाई करेंगे तो पुली का सेंटर ऑफ मास किसी एक्सेलरेशन ए से चलेगा, है ना, और ये साथ में अल्फा से रोटेट भी करेगा। उसी तरह से ये जो ब्लॉक है ये भी किसी एक्सेलरेशन बी से चलेगा, ठीक। तो अगर ये पुली स्लिप नहीं करता है कहीं पर, तो हमें क्या करना है कि इन दोनों का एक्सेलरेशन में रिलेशन यानी कॉन्स्टेंट रिलेशन पता करना है, और ये दोनों ऑब्जेक्ट का इक्वेशन ऑफ मोशन लिखना है, है ना। इफ डबल पुली सिस्टम does not slip and string also does not slip on pulley, then write down equations of motion for the two objects. Also find constraint relations. ठीक। तो हम लोग यहां देख सकते हैं कि ये जो ब्लॉक है, ब्लॉक का सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगा, है ना। तो ब्लॉक पर, ब्लॉक जो है एक स्ट्रिंग से अटैच्ड है यहां पर, और इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं कि टेंशन है टी, है ना,
और इस पुली पर यही टेंशन टी इधर लग रहा होगा लेफ्ट में और ब्लॉक में राइट में। तो ब्लॉक के लिए जो ट्रांसलेशनल इक्वेशन में मोशन आएगा वो होगा टी इज इक्वल टू एम इंटू ए। ठीक। अच्छा, जो पुली है, पुली सिस्टम का मास जो है वो भी मान लेते हैं एम है, और इनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई मान लेते हैं। ठीक। तो फॉर डबल पुली, डबल पुली के लिए ट्रांसलेशनल इक्वेशन में मोशन लिखेंगे, तो एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स लग रहा है एफ और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है टेंशन टी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ए। ठीक है। हमने क्या किया था, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बी ले रखा है, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन जो है यह है बी, है ना। तो यहां भी हमें लिखना चाहिए इसका, यहां इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा मास इनटू एक्सेलरेशन बी ब्लॉक के लिए, और पुली का एक्सेलरेशन हमने ए ले रखा है तो उसके लिए लिखेंगे एम इंटू ए। ये सेकेंड इक्वेशन आ गया। अच्छा, डबल पुली का रोटेशनल इक्वेशन ऑफ मोशन लिखेंगे, तो इस सेंटर के अबाउट जो इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसके अबाउट जो फोर्स एफ है इसका टॉर्क आएगा एफ इंटू आर, है ना, एफ इंटू आर इसके अबाउट एफ इंटू टू आर हो जाएगा, एफ इंटू टू आर ये हो गया टॉर्क इस फोर्स एफ का इसके अबाउट। ठीक है। वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉर्क लग रहा होगा ऐसे अल्फा की तरफ, और इसी को एक्सिस मानेंगे तो यहां जो टेंशन लग रहा है टी, इस टेंशन का टॉर्क भी क्लॉकवाइज ही आएगा, है ना, और उसका वैल्यू हो जाएगा टी इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस आर के इक्वल, तो प्लस टी इंटू आर। ठीक है। तो यही दो फोर्स हैं जो टॉर्क लगा रहे होंगे। अच्छा, अब नीचे जो है, नीचे हो सकता है फ्रिक्शन लग रहा हो, और अगर फ्रिक्शन लग रहा होगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी दिखा सकते हैं इस पर, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स हम लोग ऐसा कर सकते हैं, फ्रिक्शन फोर्स पीछे दिखा सकते हैं एफ, तो इसमें फ्रिक्शन का भी टॉर्क आ जाएगा इसी एक्सिस का, और एफ इंटू टू आर प्लस एफ इंटू टू आर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इंटू अल्फा। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया। अब इसमें फ्रिक्शन का डायरेक्शन हमें नहीं पता इसलिए हमने इसको पीछे ले लिया है, लेकिन जब इक्वेशन ऑफ मोशन को सोल्व किया जाता है तो सोल्व करने के बाद फ्रिक्शन का अपने आप साइन आ जाता है पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव आता है तो हम मानेंगे कि हमने जो डायरेक्शन सिलेक्ट किया था वो सही सिलेक्ट किया था। अगर एफ का वैल्यू नेगेटिव आता है तो हम लोग मानेंगे कि हमने डायरेक्शन सिलेक्ट किया था वो उल्टा था, है ना, यानी इसका डायरेक्शन को रिवर्स कर देंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड सही आएगा तब भी। हम डायरेक्शन फ्रिक्शन का किधर भी लेंगे, जो मैग्नीट्यूड आएगा फ्रिक्शन का सोल्व करने से वो बिल्कुल सही आएगा, है ना। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन हो गए, और हमें एक कॉन्स्टेंट रिलेशन निकालना है। तो कॉन्स्टेंट रिलेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये जो डबल पुली सिस्टम है इसका डायग्राम फिर से बना लेते हैं। तो ये डबल पुली सिस्टम हो गया, इसमें जो है ये जो सेंटर है इसका एक्सेलरेशन होगा ए, है ना, ये जो पॉइंट है इसका एक्सेलरेशन होगा जीरो क्योंकि परफेक्ट रोलिंग कर रहा है ना। तो यहां जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन इधर होना चाहिए बी, ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का एक्सेलरेशन बी
और इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी इक्वल होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग तो स्लिप नहीं कर रहा, ये स्ट्रिंग स्लिप नहीं कर रहा, इसलिए इसका एक्सेलरेशन और इसका एक्सेलरेशन इक्वल होना चाहिए। तो लास्ट जो थ्योरी हमने पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि हाइट के साथ में, हाइट के साथ में वेलोसिटी या एक्सेलरेशन कैसे वेरी करते हैं, है ना। तो अगर ऐसा होगा कि ये एक्सेलरेशन जो है यहां से यहां तक, ये एक्सेलरेशन ए, तो और ये एक्सेलरेशन हो गया बी, ये हाइट जो है टोटल, ये हाइट हो गया 2r, और चूंकि छोटे वाले का इसका रेडियस है r, तो ये हाइट हो जाएगा यहां से यहां तक, ये भी r हो जाएगा। तो अब जो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं, इसमें हम लोग एक दो सिमिलर ट्रायंगल बन रहे हैं यहां पर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, साइड्स का रेशियो निकालेंगे, b बाई ए, छोटे वाले ट्रायंगल का ये हो गया बेस और बड़े वाले का बेस a, ठीक। फिर छोटे वाले का हाइट लेंगे ये r, तो बड़े वाले का हाइट हो जाएगा 2r, है ना, छोटे वाले का हाइट r और जो बड़े वाले का हाइट जो है, यानी सेंटर का जो हाइट है ग्राउंड से, वो है 2r। तो यहां से हम लोग देख सकते हैं कि v का जो वैल्यू आया वो a बाई 2 आ गया। तो ये कॉन्स्टेंट रिलेशन है जो हमें निकालने के लिए कहा गया था। इसी तरह से इस फिगर में कह सकते हैं कि अगर ये जो है, ये अगर इसका सेंटर अगर a से जाता है तो ये वाला जो पॉइंट होगा वो a बाई 2 से जा रहा होगा, और ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक भी a बाई 2 से जा रहा होगा, है ना। तो इस तरह से दोनों ऑब्जेक्ट के एक्सेलरेशन में या वेलोसिटी में रिलेशन निकाला जा सकता है। तो अब हम लोग एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसमें एक डिस्क परफेक्ट रोलिंग कर रहा है। डिस्क इज रोलिंग विदाउट स्लीपिंग, है ना। इस पर ऐसा मान लेते हैं कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है वो भी, नेट एक्सटर्नल फोर्स भी जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द डिस्क इज जीरो। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो होगा, यानी इसकी जो वेलोसिटी होगी सेंटर मास की v, ये कांस्टेंट रहेगी, और इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा ये भी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन v इज इक्वल टू ओमेगा r होगा क्योंकि ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, ठीक है। तो इस डिस्क के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, हर पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा, है ना। तो जब एक्सेलरेशन होगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितना होगा यह हमें जानना है। तो हम देख सकते हैं कि जितने भी पॉइंट हैं इस डिस्क पर, वो इसका जो सेंटर है सी, सी के अबाउट हर पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा, अबाउट सेंटर सी ऑफ डिस्क एवरी पॉइंट ऑन डिस्क आर मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ। इनफैक्ट ये कहा जा सकता है
यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। तो ऐसा होगा कि सी के रिस्पेक्ट में जो टॉप मोस्ट पॉइंट है, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सेंटर की तरफ इसके पास एक्सेलरेशन होना चाहिए ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। आर यहां पर क्या है, इस डिस्क का रेडियस है। ठीक, उसी तरह से जो ये पॉइंट है यहां पर इसका हॉरिजॉन्टल सर्कमफेरेंस पर, तो ये भी सेंटर की तरफ ओमेगा स्क्वायर आर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा होगा। जो लोअर मोस्ट पॉइंट है इसका भी एक्सेलरेशन होगा ऊपर की तरफ, और ये भी होगा ओमेगा स्क्वायर आर। और जो पॉइंट यहां पर है इसका भी एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर होगा इधर। ठीक है, तो अब ऐसा कहा जा सकता है कि जो ग्राउंड पर एक ऐसा पॉइंट है, ग्राउंड पर ये एक पॉइंट है, ये ग्राउंड पर एक पॉइंट है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको हम लोग मान लेते हैं ये है पॉइंट ए। ठीक, सिंस पॉइंट सी हैज नो एक्सेलरेशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इट मीन्स ऑल द पॉइंट्स ऑन डिस्क हैविंग एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर अबाउट पॉइंट सी विल हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन अबाउट पॉइंट ए ऑल्सो। कहने का मतलब यह है कि जो हमने फिगर में जो भी एक्सेलरेशन दिखाया ओमेगा स्क्वायर आर, चार पॉइंट हमने दिखाए हैं, चारों का एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर हमने दिखाया है सी के रिस्पेक्ट में, है ना, ये चारों पॉइंट का एक्सेलरेशन ग्राउंड के रेस्पेक्ट में यानी पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में भी उतना ही होना चाहिए, ओमेगा स्क्वायर आर ही होना चाहिए और उसी डायरेक्शन में भी होना चाहिए, क्योंकि ना तो पॉइंट सी का कोई एक्सेलरेशन है ना तो पॉइंट ए का एक्सेलरेशन है, तो पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में सी का भी एक्सेलरेशन जीरो है। तो यह कहा जा सकता है कि पॉइंट सी के रेस्पेक्ट में जो एक्सेलरेशन आएगा वही एक्सेलरेशन पॉइंट ए के रेस्पेक्ट में भी आएगा। ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि जैसे ये अगर डिस्क हो तो डिस्क के सर्कमफेरेंस पर एक पॉइंट है, मान लेते हैं ए। ठीक है, और जैसे जैसे डिस्क परफेक्ट रोलिंग करेगा तो पॉइंट ए मूव करेगा, तो पॉइंट ए का पाथ कैसा होगा ये हम लोग इसको जानने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो व्हील है ना, इसको हम लोग आगे की तरफ, ये डिस्क जो है इसको आगे की तरफ हम लोग खिसकाते हैं। कुछ देर बाद ये डिस्क जो है वो यहां पर आ जाएगा, उसके बाद यहां पर,
तो डिस्क जो है वो इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऐसा समझते हैं कि जो लोएस्ट पॉइंट ए था, है ना, वो कुछ देर बाद जैसे व्हील आगे बढ़ेगा तो ये पॉइंट कहीं यहां पर आ गया होगा, है ना, ये हो गया पॉइंट ए। थोड़ी देर बाद ये पॉइंट कहीं यहां आ जाएगा, उसके बाद कहीं यहां आ जाएगा, फिर ये कहीं यहां आ गया, उसके बाद ये पॉइंट यहां आ गया, फिर इसके बाद अब ये नीचे जा रहा होगा यहां पर, फिर यहां पर, फिर यहां पर, इस तरह से ये आगे बढ़ रहा होगा। कुछ देर बाद ये व्हील यहां आ जाएगा, है ना, तो ये मान लेते हैं यहां आ गया, तो ये जो पॉइंट है वो यहां आ गया। मतलब इसका कह सकते हैं कि इसने पॉइंट ए ने एक रिवॉल्यूशन पूरा कर दिया है। तो अगर ग्राउंड पर बैठा ऑब्जर्वर देखेगा तो ये पॉइंट कुछ इस तरह से चलता हुआ दिख रहा होगा। ये जो ट्रेजेक्टरी दिख रहा है इसका, इस ट्रेजेक्टरी को साइक्लॉयड कहा जाता है, है ना। इफ डिस्क परफॉर्म्स परफेक्ट रोलिंग देन ए पॉइंट ऑन इट्स सर्कमफेरेंस मूव्स ऑन ए साइक्लॉयड, है ना, ये जो पाथ है ये साइक्लॉयड होता है। तो ये जो साइक्लॉयड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए कई बार पूछा जाता है हमसे, जैसे कि अगर ये हाईएस्ट पॉइंट पर हो, फिर जो है लोएस्ट पॉइंट पर हो, तो अलग अलग पॉइंट पर इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हमसे पूछा जाता है। तो एक हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये जो फिगर है इसमें हम देख रहे हैं कि जो पॉइंट ए है वो सबसे ऊपर है ना, तो वहां पर उसका जो कर्व पाथ है, जो साइक्लॉयड पाथ है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे कि उसी फिगर को, इस फिगर को हम लोग यहां बना रहे हैं ना, तो इसमें ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए सबसे ऊपर है और इसकी जो वेलोसिटी होती है वो होती है v प्लस ओमेगा आर या 2v कह सकते हैं, ठीक है। जबकि इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन है ये होता है ओमेगा स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहां जो पाथ है ये पाथ कुछ ऐसा है, है ना, जो साइक्लॉयड पाथ है वो कुछ ऐसा है, तो उसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं कि स्मॉल आर है, ठीक। तो यहां पर ये जो भी एक्सेलरेशन हमें दिख रहा है कि पाथ के वेलोसिटी के बिल्कुल परपेंडिकुलर है, यानी ये जो एक्सेलरेशन आया है वो एक्चुअली में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन हो गया, जो सर्किल में हम लोग पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन में सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन। तो पॉइंट ए के लिए सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन यहां पर ओमेगा स्क्वायर आर है, जबकि हम लोग जानते हैं सर्कुलर मोशन से वो होता है वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो यहां से अगर हम कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू 4v स्क्वायर बाई आर, चूंकि परफेक्ट रोलिंग हो रहा है
तो परफेक्ट रोलिंग में v इज इक्वल टू ओमेगा आर तो होता है, जहां पर r जो है वो इस डिस्क का रेडियस है। तो ओमेगा का वैल्यू यहां पर रख सकते हैं v बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर 4v² बाई आर। तो यहां से रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आया वो हो गया 4r, मतलब कि डिस्क का जो रेडियस है उससे 4 गुना बड़ा रेडियस ऑफ कर्वेचर है उसके पाथ का, साइक्लॉइड का वहां पर रेडियस कर्वेचर है। ठीक है, ऐसा ही कर सकते हैं, जैसे सपोज जो पार्टिकल है वो यहां आ गया है ना, इस फिगर में हमें जो दिखाया गया है ये फिगर फिर से हम लोग यहां पर नीचे बनाते हैं। इस फिगर को हमने यहां पर बनाया है, इसमें देख सकते हैं हमें पता करना है कि ये जो पॉइंट है ना, इसके सर्कमफेरेंस पर ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें कैलकुलेट करना है। तो इस पॉइंट का जो एक्सेलरेशन आएगा वो सेंटर की तरफ होगा ओमेगा स्क्वायर आर है ना, जबकि इसकी जो नेट वेलोसिटी होती है ना, इसकी वेलोसिटी वी होती है इधर, ओमेगा आर या वी इधर होता है, तो नेट वेलोसिटी होती है बिल्कुल बीच में इधर, रूट टू वी या रूट टू ओमेगा आर है ना। तो इसका जो पाथ जो है वो पाथ के टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी होगी है ना, ये जो इसका पाथ होगा साइक्लॉइड, इसके टेंजेंट के अलोंग ये रूट टू वी वेलोसिटी होगी, जबकि इसका जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन है इधर सेंटर की तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सेलरेशन का जो ओमेगा स्क्वायर आर है इसका कंपोनेंट निकालेंगे ऐसे, मतलब वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। तो देखेंगे कि ये चूंकि v है और ये भी v है तो रिजल्टेंट तो बिल्कुल बीच में आया होगा, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, सारे एंगल इनफैक्ट 45-45 बनेंगे, ये वाला एंगल भी 45 डिग्री का होगा। तो इस ओमेगा स्क्वायर आर का जो टोटल एक्सेलरेशन है इस पॉइंट का, पॉइंट मान लेते हैं बी है, तो पॉइंट बी का एक्सेलरेशन जो है वो टोटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर है, इसका कंपोनेंट वेलोसिटी के जो परपेंडिकुलर आएगा इधर वो होगा ओमेगा स्क्वायर आर कॉस 45 यानी कि ओमेगा स्क्वायर आर बाय रूट टू। ये जो एक्सेलरेशन है ये सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन हो गया इसका है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर आर बाय रूट टू ये तो यहां से आ रहा है, जबकि हम ये भी जानते हैं कि इसकी जो नेट वेलोसिटी है रूट टू वी नेट वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां पर कुछ डिफरेंट हो सकता है, इसको हम लोग मान लेते हैं आर डैश। ठीक है, तो यहां से हम लोग आर डैश का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या करेंगे ओमेगा का वैल्यू रखेंगे v बाई आर होल स्क्वायर इंटू आर बाई रूट टू इज इक्वल टू 2v² बाई आर डैश। तो यहां से जो आर डैश का जो वैल्यू आएगा है ना, वो हम लोग देख सकते हैं कि ये आएगा 2√2 इंटू आर, जहां पर कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर है इस डिस्क का रेडियस। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हाईएस्ट पॉइंट पर रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है 4r, और जो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाता है ये वाला रेडियस पॉइंट b जैसे दिख रहा है यहां पर, तो यहां पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आया r डैश वो आया है
टू रूट टू इंटू आर। ठीक, तो जैसा कि हमने देखा कि ये जो डिस्क है, ये डिस्क परफेक्ट रोलिंग कर रहा है, v इज इक्वल टू ओमेगा आर है ना, ये इधर v से जा रहा है और ओमेगा आर से रोटेट कर रहा है। तो इसका जो पाथ होता है वो पाथ होता है साइक्लॉयड पाथ, है ना। मतलब अगर कोई पार्टिकल यहां पर है तो ये पार्टिकल ऐसे घूमता हुआ कहीं साइक्लॉयड पाथ को फॉलो करेगा। हमसे अगर पूछा जाए कि एक रिवॉल्यूशन में कोई पॉइंट है, जैसे ये पॉइंट है या ये पॉइंट है यहां पर, ये पॉइंट एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो कैसे पता करेंगे, है ना। वी हैव टू फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई ए पॉइंट ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ डिस्क इन वन रिवॉल्यूशन ऑफ डिस्क। जितने देर में डिस्क एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है उतने देर में इस पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। ठीक है, सपोज अब ये पार्टिकल जो है अपना, यह है पार्टिकल ए, है ना, ये घूमते घूमते किसी इंस्टेंट पर ये पहुंच गया यहां पर, यहां पर पहुंच गया। तो हम लोग ऐसा करेंगे, इसको मिला देते हैं यहां पर, और इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो इधर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल होगी, और एक वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, है ना, एक वेलोसिटी होगी इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में इधर, और इसका जो वैल्यू होगा ये भी वी होगा, यानी ओमेगा आर के इक्वल होगा। तो इसका जो रिजल्टेंट है ना, तो ऐसा मान लेते हैं कि यहां पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं इसे, सपोज ये जो है ये एंगल हो गया थीटा, यानी जो पॉइंट ए था यहां पर, ये यहां से घूमते हुए ऐसे थीटा एंगल ट्रेवल किया, है ना, ये थीटा एंगल यहां से ट्रेवल कर लिया इसने। तो उस केस में क्या होगा कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे यहां पर, ये वाली लाइन, तो ये रेडियस है और ये टेंजेंट, तो इनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, ये थीटा होगा, तो फिर ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना, ये होगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, फिर ये 90 है तो इधर वाला जो एंगल आएगा ये भी थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि अपने पास जो पॉइंट है ना, पॉइंट ए, अब यहां पर इसकी वेलोसिटी इधर है v, और इधर की तरफ v है, और ये एंगल आया है थीटा, ये एंगल थीटा आया, तो ये जो टोटल एंगल बनेगा ये हो जाएगा पाई माइनस थीटा, और ये दोनों वेलोसिटी का रिजल्टेंट, यानी पॉइंट ए की जो नेट वेलोसिटी होगी कहीं इधर होगी, ये हो गया अपना v रिजल्टेंट। तो v रिजल्टेंट हमें निकालना होगा
तो इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग इस तरह से निकालेंगे, वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस टू वी इंटू कॉस पाई माइनस थीटा, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आएगा। इसको लिख सकते हैं 2v² माइनस 2v² कॉस थीटा इज इक्वल टू 2v² कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कॉस थीटा, यानी अंडर रूट 2v² 1 माइनस कॉस थीटा को लिखा जा सकता है 2 sin² θ/2, है ना? इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये हो गया θ/2। तो फाइनली जो रिजल्टेंट वेलोसिटी आया वो हो गया 2v(sin θ/2)। तो अगर ये रिजल्टेंट वेलोसिटी है इस पॉइंट का, अगर फिगर में देखें ये जो पॉइंट है अपना ए आ चुका है, इसकी रिजल्टेंट वेलोसिटी इतनी आ गई, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ds/dt 2v sin θ को लिखा जा सकता है ωt/2। ऐसा इसलिए क्योंकि ओमेगा जो है इसका कांस्टेंट रहेगा, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, हमने माना है नेट फोर्स जीरो, सो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी जीरो, अल्फा आर भी जीरो, है ना? तो ओमेगा कांस्टेंट होगा तो टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ओमेगा इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, अल्फा जो है ये जीरो है, तो थीटा को ओमेगा टी लिखा जा सकता है, तो इसीलिए हमने यहां पर थीटा के जगह पर ओमेगा टी रख दिया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ds इज इक्वल टू 2v sin ωt/2 इंटू dt, इसको इंटीग्रेट करते हैं। तो जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस ट्रेवल जीरो, है ना? अच्छा, जब टाइम हो गया कैपिटल टी, कैपिटल टी का मतलब एक टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है, और हमें पूछा गया है एक रिवॉल्यूशन में, तो एक टाइम पीरियड में हमें निकालना पड़ेगा, और वो हो जाएगा 2π/ω के इक्वल। तो s इज इक्वल टू 2v sin ωt/2 का जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाय टू बाई ओमेगा बाय टू, ये इंटीग्रेशन हो गया, और लिमिट रख देंगे 0 to 2π/ω, है ना? तो ये हो गया 4v/ω, और लिमिट रखेंगे माइनस कॉस ओमेगा बाई टू इंटू 2π/ω माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो, ठीक? तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो आया 4v/ω इंटू, इसमें देखेंगे ओमेगा कैंसिल, 2 कैंसिल, तो रह गया कॉस पाई, कॉस पाई माइनस वन होता है, -1 -1 ये हो जाएगा +1 +1, मतलब कि 8v/ω, 8 वी को लिखा जा सकता है ओमेगा आर बाई ओमेगा, यानी कि 8r। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल जो आएगा वो हो जाएगा 8r, वेयर r इज रेडियस ऑफ डिस्क, है ना? तो टोटल डिस्टेंस जो है वो 8r ट्रेवल करेगा।